जिला महिला चिकित्सालय परिसर में जिला अस्पताल के लगभग 72 स्टाफ विगत कई वर्षों से 11 किलो वाट के सिंगल पॉइंट मीटर के माध्यम से विद्युत उपभोग कर रहे थे, जिनका बकाया लगभग 1,23,00,000 हो गया। बकाया भुगतान ना होने की स्थिति में विद्युत विभाग ने सिंगल पॉइंट मीटर हटाकर मल्टी पॉइंट कनेक्शन देने का फैसला लिया। जिन बकायादारों ने भुगतान कर दिया उनको विभाग ने नए प्रीपेड मीटर लगा दिए, लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने बकाया भुगतान नहीं किया उनके विद्युत कनेक्शन बुधवार की शाम को काट दिए गए। एचडीओ थर्ड राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विद्युत नगरीय वितरण द्वितीय उपखंड तृतीय से 35 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके विद्युत कनेक्शन काटे गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एचडीओ थर्ड राकेश कुमार सिंह ने कहा, हम काकर तो नहीं जाए। अरे फोन हटाइए, कौन जाए साहब? आगे किस पे काटने के ये पूरा पैसा जमा नहीं होगा हमारे सामने, पूरा पैसा जमा होगा। बात मानिए, इशू हो जाता है, वो जा रहे थे, वही समझा रहा हूँ आपको। पैसा ले लिए होंगे लेकिन प्रोसेसिंग क्यों कटवा रहे हैं? 100 रुपये की 100 रुपये प्रोसेसिंग करते एक अकाउंट आईडी इशू हो जाती है, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है नहीं हुई होगी। अरे पैसा जमा है ना तुम्हारा, ये अकाउंट आईडी है ना, ये नंबर नंबर प्रोसेसिंग कटा होगा, ये अकाउंट आईडी इशू हो गया होगा। अब वहाँ से दूसरे लोगों को बुला लीजिए। जितने बकायेदार थे, बकायेदार कोई नहीं था, जिसका इसका पैसा जमा हो गया है या मीटर लग गया उनकी लाइन नहीं काटी गई है, बाकी लोगों की सबकी लाइन काट रही कट जा रही है। कितने ऐसे थे जिनकी लाइन काटी गई है? अभी संख्या अभी मालूम चल जाएगी थोड़ा देर बाद। 35 के आसपास हैं।
बकाया कितना कुछ था उसमें? बकाया तो इनका विभागीय बकाया चल रहा है पुराना, कितना था? 1 करोड़ 23 लाख का।